नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आज की ये वीडियो मैं बना रही हूं ब्रह्मस्थान के ऊपर। ब्रह्मस्थान सेंटर ऑफ द हाउस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबके जीवन में। एक्चुअली लोग ब्रह्म बिंदु को ब्रह्म स्थान समझ लेते हैं, ये लेकिन ये गलती है। ब्रह्म बिंदु के आसपास का 10% का एरिया, 10-15% का जो एरिया होता है वो टोटल ब्रह्म स्थान कहलाता है। तो ब्रह्म स्थान अगर हम देखें, हम पंच तत्व से मिले हैं, बने हैं, और हमारी स्पेस भी पंच तत्वों से बनी है। तो जो हमारा नाभि का एरिया है वो ब्रह्म स्थान है हमारी बॉडी का, वो ब्रह्म बिंदु है जहां से 72,000 नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं। इसी तरह घर के ब्रह्म बिंदु से एनर्जी का फ्लो पूरे घर में फैलता है, और अगर इसी ब्रह्म स्थान पर या ब्रह्म बिंदु से आपको कोई आपने वास्तु दोष क्रिएट कर दिया है तो वो एनर्जी का फ्लो घर में नहीं हो पाएगा और बहुत सारी दिक्कतें हमारी लाइफ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से दोष ब्रह्म स्थान में हो सकते हैं। पहला, अगर ब्रह्म स्थान में गड्ढा आ गया। आपने महाभारत के स्टोरी में सुना है ना कि श्री कृष्ण ने जब पांडवों को विजय दिलानी थी तो उन्होंने उनके लिए एक ऐसे घर की रचना की थी जहां बीचों बीच उन्होंने स्विमिंग पूल सा बना दिया था, जिसमें जबकि दुर्योधन गिरे थे और द्रौपदी हंसी थी और सारा महाभारत की रचना शुरू हो गई थी। तो घर के बीच में ब्रह्म स्थान में आया हुआ गड्ढा आपके जीवन में बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स कर सकता है, तो कोशिश कीजिए यहाँ किसी तरह से भी गड्ढा ना हो। दूसरी चीज है टॉयलेट सीट, बहुत ही गलत है, क्योंकि जहां जो ब्रह्मा का स्थान है, जो क्रिएशन का स्थान है, वहां पे अगर डिस्पोजल की एक्टिविटी आ जाती है तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है घर का, और एज सच इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है वास्तु में। तीसरी चीज आ जाती है कि अगर यहाँ पे आपने बर्नर रख दिया, बर्नर चूल्हा आ गया, वो भी यहाँ पे बहुत गलत है, उसको भी यहाँ से हटा दीजिए, एज सून एज पॉसिबल रीलोकेट कर दीजिए। फोर्थ चीज आ जाती है कि अगर यहाँ पे आपने यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू किया सीढ़ियों का जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने बहुत सारे ऐसे घर देखे होंगे जहाँ पे स्टेयर मिडल ऑफ द हाउस से निकल के डाइवर्ट हो रही होती है, तो ये भी गलत है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी नाभि पे अगर कोई बहुत भारी सामान रख दिया जाए तो हमें कैसा फील होगा, बिल्कुल वैसा ही वास्तु पुरुष मंडल को फील होता है। तो ये सीढ़ियां भी अगर ब्रह्म स्थान में आ जाती हैं तो बहुत बहुत बुरा इम्पैक्ट करती हैं। इसी तरह से कोई बहुत भारी पिल्लर आ जाए, वो भी गलत है, आपको वहां पिल्लर भी नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम अब फ्लैट सिस्टम में आ गए हैं। फ्लैट सिस्टम में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पॉसिबल है और बहुत सारी चीजें इग्नोर भी की जा सकती हैं। अगर ब्रह्म स्थान में वॉल आ रही है तो ठीक है, हम उसे एक हद तक एक्सेप्ट करते हैं। वहां कोई टेबल कुर्सी आपने रखा हुआ है, कोई सोफा रखा हुआ है, इतना हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया खाली छोड़ना पॉसिबल नहीं है। पर कोशिश कीजिए जो फ्लॉज मैंने आपको बताए, गड्ढा, टॉयलेट, किचन, पिल्लर, स्टेयर्स, ये ब्रह्म स्थान में बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर ये ब्रह्म स्थान में है तो आपके घर में ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से रोटेट नहीं हो पाएगी। और देखिए, वास्तु जो है शुरू ही लैंड एनर्जी से होता है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स और कॉस्मिक एनर्जी, जब इन दोनों का मिलन होता है तो वास्तु अच्छे से काम करता है। तो अपनी घर के वास्तु को ठीक करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म स्थान पे आप ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ जो कि आपके घर में ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट करेगा। ये रेमेडी है कि गोमूत्र या फिर आप गंगा जल, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, गोमूत्र है तो थोड़ा सा रोज वाटर लीजिए, उसमें गोमूत्र डालिए और अपने घर में हर रोज थोड़ा थोड़ा स्प्रे कीजिए अपने ब्रह्म स्थान पे। तो ये क्या करेगा, ये ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। तो इस रेमेडी को जरूर कीजिए और अपने ब्रह्म स्थान का ध्यान जरूर रखिए, जिस तरह से हम अपने शरीर में ब्रह्म नाभि का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपने सुना है ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म नाभि को अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपके पूरा शरीर, पूरी कोशिकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अपने घर में ब्रह्म स्थान का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच।